मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? उम्मीद है आपको उर्दू समझ में आने लगी होगी अब, क्योंकि आपके 4 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले की वीडियोस और जो वर्क था वो आपने देखा, आपको समझ में आ रहा है सर? अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं उनसे, और वीडियोस को बार बार आप देखोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो आपके लेसन 4 कंप्लीट हो गए थे। अपनी डेट वाइज अपनी कॉपी में कंप्लीट वर्क करते रहिएगा, जैसे आपको जब आप स्कूल आएंगे तो आप उसको आसानी से चेक करवा सकते हैं, है ना? और आप लोगों को बहुत सारा काम इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं, आज हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे, जो आपकी बुक में पेज नंबर 20 पर है ये वाला। अगर किसी के पास बुक नहीं हो तो वो हमें बता देना, उसकी पीडीएफ फाइल सेंड करके भेज देंगे फोटो क्लिक करके, ठीक है? तो ये है लेसन 5। तो बच्चों, आज के लेसन में जो हम बताएंगे आपको, अब आप लोगों को क्योंकि अल्फाबेट्स पूरे याद हो गए हैं, उनके बारे में सब पता चल गया है, इसकी आवाज समझ में आ गई होगी कि किसकी क्या आवाज होगी। अब हम उर्दू में जब आगे लिखते हैं वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स लिखते हैं, तो हिंदी में तो जैसे हम पूरा लिख देते हैं, जैसे आपको लिखना है मन, तो आपने माँ बनाया और ना बनाया, से लिखा कर्म तो का बनाया, रा बनाया, माँ बनाया, है ना? तो हिंदी में जैसे हम वर्ड्स पूरे लिखते हैं, लेकिन उर्दू में हम वर्ड्स पूरे नहीं लिखते, उनके छोटे छोटे शोशे बनाते हैं, उनके आधे वर्ड्स बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा मेरी अच्छे से। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से अपनी वीडियोस पीछे से देखना, तो आपको समझ आएगा। तो ये हम आज आपको क्या पढ़ाएंगे, आधे वर्ड्स, शोशे। उर्दू में क्या कहते हैं हम लोग, शोशे। तो आप अपने कॉपी और पेन में लेके लिखते जाएंगे, है ना? इस तरीके से आप पहले हरूफ तहजीब पूरा लिखेंगे, उसके नीचे हम उसके शोशे लिखेंगे। इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिनका शोशा नहीं होता, उनको हमेशा हम पूरा बनाते हैं। तो जिनका शोशा नहीं है, जिनको हमें आधा नहीं बनाना है, पूरा बनाना है, उनको हम पूरा बनाएंगे, और जिनके हम शोशे बनाना है, मतलब आधा बनाएंगे, उसका हम यहाँ पर उसके नीचे बनाते हुए जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखिए, अलिफ, अलिफ हमेशा पूरा बनता है। बा, बा, पा, ता, टा, सा, एक जैसे होते हैं, इनका शोशा भी एक जैसे ही बनते हैं, बस इनके नुक्तों का फर्क होता है। और आपको नुक्ते अच्छे से याद होना चाहिए, किसमें 2 लगते हैं, किसमें 3 लगते हैं, किसमें ऊपर लगता है, किसमें नीचे लगता है। ओके, तो बा, बा का शोशा देखिए, बस ऐसा बनाना है और इसके नुक्ता यहां लगते हैं, ठीक है? इसी तरीके से पा बनाना है, नुक्ते 3 यहां में, तो नुक्ते 2 ऊपर, तो छोटा तोय ऊपर जैसे इसमें बना है, स 3 नुक्ते ऊपर। तो नुक्तों से आपको समझ में आ जाएगा कि किसका शोषण है। नेक्स्ट आते हैं जीन, जीन का जीन चे है खे, ये सेम है सबका, सबका शोषा भी सेम, जीन च, बस नुक्ते, हा में कोई नुक्ता नहीं, हा, हा में ऊपर नुक्ता, हमने इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, और ऐसे भी बना सकते दार, दार, दार का कोई शोषा नहीं, दार, दार और जार। इसी तरीके से रा, रा, ज और जा का कोई शोषा नहीं। अब देखिए सी, सी, सीन और शीन सेम होते, बस नुक्ता 3 नुक्ते लगते हैं शीन में, तो आपने यहां 3 नुक्ते लगा दिए, हो गया
शीन का शोषण। इसी तरीके से स्वाद द्वाद एक जैसे होते हैं, स्वाद द्वाद एक, तोये तोये पूरे बनते हैं, एन एन का शोषण और गैन का शोषण, ठीक है। इसी तरीके से फे और काफ देखिए, फे में एक नुक्ता, काफ तो काफ और गाफ इसके ऊपर ऐसा लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, मरकज। इससे पहले भी हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है ये मरकज। तो काफ गा नाम देखिए, ये पूरा ऐसे बनता है और इसका शोषण बस ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मीम, अब मीम देखो, मीम और स्वाद ऐसे दोनों में ऊपर बनता है, लेकिन जब हम शोषण बनाते हैं तो मीम का हमेशा ऐसे बनाता है। बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर नहीं बनाना है आपको, हमेशा इसको नीचे ऐसे बनाना है। नून, नून में एक नुक्ता, वाव पूरा बनेगा। हा, हा जो है इसका शोषण देखिए, या तो कभी हम ऐसे बनाते हैं और या कभी हम ऐसे बनाते हैं, तो इसके दो है ध्यान रखना। इस तरीके से बनाते हैं, जब हम लोग को एक लफ्ज लिखेंगे पूरा तब हम आपको अच्छे से इसमें समझा देंगे। दो चश्मी हा, दो चश्मी हा का इस्तेमाल तुम लोगों को मालूम है, भिखारी लफ्ज जो बनाते हैं हम लोग जैसे ख ढा भा धा, उसमें हम दो चश्मी हा का इस्तेमाल करते हैं। हमजा, हमजा या तो ऐसा पूरा ही बनेगा और या ऐसा इसका शोषण, और कभी कभी पूरा भी बनता है, ठीक है। छोटी या और बड़ी या, छोटी या और बड़ी या का आवाज, जब हम कोई लफ्ज लिखते हैं तो आवाज अलग हो जाती है, लेकिन इसके शोषे एक बनते, आवाज तो सेम होती है, सॉरी आवाज तो सेम होती है जब हम लिखते हैं, तो जैसे छोटी ई की आवाज आ रही है, कहीं ए की आवाज आ रही है, तब हम या का इस्तेमाल करते हैं, वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। अभी आप इसका शोषा बनाना सीख लो, जब कहीं भी या ऐसा आता है या ऐसा आता है तो हमेशा इसका छोटी या आए या बड़ी या आए, इसका शोषा हमेशा ऐसे बनता, ठीक है। अभी आपने ये देखा अलिफ से लेके बड़ी या तक दोनों के शोषे सेम, दोनों के शोषा सेम हो गया है ना। आप लोगों को ये अच्छे से इसी तरीके से आप लिखना, कम से कम तीन बार अपनी कॉपी में ये लिखेंगे आप, तीन पूरे तीन पेज पर, एक पेज पे लिखिए पूरी अलिफ से लेके बड़ी या तक पूरी हरफ तहजी लिखिए, उसके नीचे शोषे बनाइए, उसके बाद दोबारा से फिर दूसरे पेज पे लिखिए। इस तरीके से आज डेट हमने कौन से डेट को पढ़ाया आपको ये लेसन, उस डेट का ऊपर डालेंगे, लेसन डालेंगे, आधे हरूफ हेडिंग डालेंगे, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे और इस तरीके से आप पूरे शोषे बनाना सीखेंगे, ठीक है। आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से उर्दू को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे